जहां एक तरफ 100वां टेस्ट मुकाबला खेलने उतरे विराट कोहली, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक रिकॉर्ड जो है इस मैच में बनते चले गए और टूटते चले गए। अब इसी कड़ी का हिस्सा बन गए हैं रविंद्र जडेजा और यहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव जैसे बड़े खिलाड़ियों का रविंद्र जडेजा ने। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शानदार रिकॉर्ड के बारे में जिसे बनाया है बड़ी स्टाइल में यहां पर रविंद्र जडेजा ने। क्या वो रिकॉर्ड है, बिल्कुल यह हम आपको बताएंगे। क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहां एक तरफ भारतीय पारी में पहले कुछ विकेट्स गिरे, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने इस भागदौड़ को जो है अपने हाथ में लिया और संभाली पारी। वहां पर एक सोची संभली पारी भी खेली रविंद्र जडेजा ने, जिसके बाद रनों का अंबार वहां पर लगा दिया रविंद्र जडेजा ने और इसी बीच एक रिकॉर्ड भी वहां पर बना दिया रविंद्र जडेजा ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए रविंद्र जडेजा और काफी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है। जब मैच शुरू होने थे उससे पहले वहां पर रविंद्र जडेजा ने इस सीरीज से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं 3 महीने लगभग टीम से बाहर रहा हूं और एक अच्छी वापसी की तरफ देख रहा हूं, और बिल्कुल वो अच्छी वापसी यहां पर रविंद्र जडेजा ने करके भी बताई है। फिर चाहे वो T20 मुकाबले रहे हो श्रीलंका के खिलाफ या फिर इस टेस्ट मुकाबले की बात की जाए, जहां बीते दिन रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए और एक स्लो शुरुआत वहां पर दी अपनी पारी को, धीमी पारी खेली थोड़ी वहां पर, 45 रन बनाए थे पहले दिन का खेल खत्म होने तक। वहीं दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो अर्धशतक पूरा किया रविंद्र जडेजा ने, जिसके बाद बहुत तेजी से शतक की तरफ बढ़े और उसके बाद फिर 150 रन का आंकड़ा जो है वो भी पा लिया वहां पर रविंद्र जडेजा ने। साथ ही उसके बाद जब उन्होंने रन बनाने शुरू किए तो वो धीरे धीरे एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते गए और वो रिकॉर्ड है कपिल देव के, सर्वश्रेष्ठ यहां पर रन थे 163 रन, उसको सरपास कर गए हैं। अब ये क्या रिकॉर्ड है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 7वें विकेट या उससे नीचे आकर किसी बल्लेबाज ने अगर बल्लेबाजी की है और सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो इस लिस्ट में नाम पहले था कपिल देव का, जिन्होंने 1986 में श्रीलंका के खिलाफ ही कानपुर में 163 रन की ये पारी खेली थी। फिर बात की जाए ऋषभ पंत, 159 रन की पारी उन्होंने वहां पर खेली थी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में ही 2019 की ये बात है। जिसके बाद रविंद्र जडेजा खुद ही यहां पर अपना रिकॉर्ड तोड़ चुके थे, 152 रन जो है मोहाली में इन्होंने बनाए थे। फिर उसके बाद बात की जाए वहां पर महेंद्र सिंह धोनी की, तो कोलकाता में वहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 144 रन बनाए थे सन 2011 में, और अब रविंद्र जडेजा ने यहां पर 163 रन का रिकॉर्ड जो है कपिल देव का उसे तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं रविंद्र जडेजा। तो बहुत ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। अब देखना यह होगा कि बल्ले से अपना कमाल तो दिखा चुके हैं और दोहरे शतक की तरफ भी बढ़ चुके थे रविंद्र जडेजा। बात करें उनकी गेंदबाजी के बारे में तो अब देखना होगा कि जिस विकेट से गेंदबाजों को मदद मिल रही है वहां पे कैसा कुछ प्रदर्शन रविंद्र जडेजा की तरफ से आता है। छक्कों की बारिश, चौकों की बारिश रविंद्र जडेजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी इस बल्लेबाजी में। क्या लगता है आपको, रविंद्र जडेजा कितने विकेट लेंगे गेंदबाजी करते हुए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा कीजिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है ताकि ऐसी और भी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम है सारांश, धन्यवाद।